दोस्तों, हर किसी के घर में रोटी बचती ही है। इसका हम क्या करें, बहुत बड़ा सवाल है। या तो हम लोग इसे फेंक देते हैं या तो उसको खाने का मन नहीं करता। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी डिश लेकर आई हूं जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रीना बिराजदार और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल घर का खाना। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये मेरे पास दोपहर की 2-3 रोटी बची हुई है, तो हम इसी से आज का नाश्ता बनाने वाले हैं। शाम के नाश्ते में क्या बनाएं, हमेशा टेंशन रहता है, तो ये एक नाश्ता हम बना के परोस सकते हैं चाय के साथ में। तो आइए फिर देखते हैं हम ये नाश्ता कैसे बनाएं। मैंने यहाँ पे रोटी को 2 बार फोल्ड कर लिया है। उसे अभी कैंची की मदद से अभी इसे हम लोगों को बारीक बारीक अच्छे से लंबे लंबे पीसेस निकालने हैं। आप देख सकते हो कि मैंने कैसे पीसेस निकाले हैं, इसी तरह से आपको भी पीसेस निकालने हैं। तीनों चपाती को मैंने ऐसे ही काट लिया है। काटने का प्रोसेस अभी हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, उसमें तेल गरम हो चुका है, तो अभी हम लोग इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, क्योंकि हमें इसे फटाफट निकालना है। इसे ज़्यादा करारा नहीं बनाना है, थोड़ा सॉफ्टनेस भी इसमें रखना है, ताकि हमारी डिश एकदम थोड़ा क्रंची और थोड़ा सॉफ्टनेस इसमें रह जाए और डिश खाने में अच्छी लगे। इसी तरह से पूरे रोटीज को हम लोगों को फटाफट फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरी चपाती को एक साथ में ही अच्छे से फटाफट फ्राई कर लिया है। अभी देखते हैं आगे की प्रोसेस। उसी कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा रखा है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने उसमें जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हमें लंबे लंबे स्लाइस में काटे हुए ओनियन डालने हैं, प्याज, और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद हमें इसमें डालनी है ग्रीन चिली के मैंने यहाँ पे बारीक बारीक पीसेस काट लिए हैं, और इसे अच्छे से प्याज के साथ में हम लोगों को फ्राई करना है। प्याज और मिर्ची को अच्छे से हम लोगों को फ्राई करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा सा कलर अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इसी स्टेज में हम लोगों को डालना है करी लीव्स, करी पत्ता, जो कि मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था। साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है गार्लिक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे भी अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा टमाटर। इसे भी अच्छे से फ्राई करना है। इसे बारीक होने तक हम लोगों को चम्मच की मदद से हिलाते रहना है, इसे स्मैश करना है। अभी इसी स्टेज में मैं इसमें नमक डालूंगी, ताकि अपने जो टमाटर है वो फटाफट स्मैश होने में मदद हो जाए। हल्दी पाउडर डाल दी है मैंने, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। टमाटर को अच्छे से स्मैश करना है। अभी इसी स्टेज में मैंने यहाँ पे डाला है एक बड़ा चम्मच केचप का, टोमेटो सॉस का। इसमें अच्छे से स्मैश करते हुए उसे मिक्स कर देना है। अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट मैगी मसाला, जो कि हमारे पास अक्सर बचा हुआ रहता है।
तो मैंने यहाँ पे मैगी मसाला डाल दिया है। अभी इस स्टेज में डालूँगी जो हमने रोटी को फ्राई किया हुआ था वही पीसेस। इसको अच्छे से हिलाते हुए मिक्स करना है। आप देख सकते हो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। हमें इसे इस तरह मिक्स करना है कि इस पे सारा मसाला अच्छे से लग जाए। ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना। डिश बहुत ही अच्छी लगती है। इसे ढक के हम लोग 2 मिनट रख देते हैं। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर नाश्ता बन चुका है। ये खाने में इतना अच्छा होता है कि घर में हर किसी को ये पसंद ज़रूर आएगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।